आशा करुच्छ समस्ते बहुत बढ़िया थे समस्त प्रिपेरेसन भी आगे बढ़ी चलते आज आम जूनियर आसीस्टेंट 2018 जो एग्जाम होता ओ ट्रिपल एससी तरफ तार इंग्लिश पेपर मुझे कंप्लीट डिस्कशन करी मन रखे इंग्लिश देखिपे टोटाल आप अच्छे 25 क्वेश्चन 25 रीडिंग कंप्रेहेंशन को मिसेक टोटाल 30 क्वेश्चन अच्छे मुझे सब तो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने ट्राए करी जैसे समस्त वीडियो को कंप्लीट देखने थोड़े चेक करेंगे ओ ट्रिपल एससी कौन लेवल क्वेश्चन पकोजी आउ कौ टाइप क्वेश्चन आसूस आपको बेसिक आइडिया थे अपकमिंग आपको पीओ एक्जाम अच्छी तो डेफिनेटली किसी ना किसी बेनिफिट हम क्लास को स्टार्ट करेंगे तरह गोटे छोटिया इनफर्मेशन देवी जो मैंने मोर मोक टेस्ट जो मानक दरकार ओ ट्रिपल एससी पीओ सहित डेली प्राक्ट क्वेश्चन दरकार से मोर पीओ ग्रुप जॉइन करेंगे मन रखे जो मैंने अलरेडी जॉइन कर स्किप करके 2 मिनट आगू पड़ो जो मानक दरकार ना शुणा ना अनेसेसरी टाइम को वेस्ट करेंगे तो से भी 2 मिनट पढ़ाओ जो मानक दरकार अच्छे से मैंने 2 मिनट बस शुणी नि मन रखे टेलीग्राम में मोर क्विज आउ गए मन रखिए मोक टेस्ट बैच अच्छे जोटी कि आप 15 फुल लेंथ मोक टेस्ट पाइए मुझे मोक टेस्ट टी देखेदेवि आप आइडिया भी पाइबे सहित डेली प्राक्ट आप 250 क्वेश्चन पाइबे 250 क्वेश्चन मैंने डेली आप 300 पाखापाखि क्वेश्चन पाइबे एटा डेली बेसीस कंटिन्यू करूँगी अप टू पीओ एक्जाम जाए चलो मन रखे आप इंग्लीश्र 60 क्वेश्चन डेली पाइबे कंप्यूटर 50 क्वेश्चन जीएस 50 क्वेश्चन ओडिया 50 क्वेश्चन ओडिशा जिके कि स्टाटिक जिके 30 क्वेश्चन मैथ्र टपिक हुए सब तक आप क्वेश्चन पाइबे डेली प्राक्ट करेंगे आ मन रखे एटा पीओ एक्जाम जाए चलो सीट कौन से वीडियो क्लास न था सबुतक कंटेंट अवेलेबल थे आपको प्रीपोजिशन चैप्टर दरकार कि आर्टिकल दरकार कि नाउन दरकार कंजंक्शन दरकार कि सब्जेक्ट भर रखें कौन से चैप्टर दरकार सीटी अलरेडी अवेलेबल अच्छे आप प्राक्ट करेंगे सहित फुल लेंथ मैंने 150 मार्क टोटाल सरी 180 मार्क टोटाल आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट पाइबे तार कंप्लीट आंसर था सॉल्यूशन भी सबुतक जहाँ भी क्वेश्चन मुझे सबुतक आंसर आ सॉल्यूशन अवेलेबल ओके जो मानक इच्छा से जॉइन करेंगे जो मैंने नुआ स्टूडेंट अच्छे से 130 रुपीज रोज जो मैंने ओल्ड स्टूडेंट से 95 रुपीज रोज नुआ स्टूडेंट मैंने फास्ट टाइम मोर बैच जॉइन करेंगे ओल्ड स्टूडेंट मैंने अलरेडी एस बैच होगा कि सीजीएल होगा कि ओडिशा पुलिस की जूनियर एजुकेशन कौन से बैच जब आप जॉइन करते आप 95 रुपीज रोज डायरेक्ट यार नंबर जो देखते हैं नंबर में कौन से पेमेंट गेटवे जब यूज करते डायरेक्टली पे करके मतलब व्हाट्सएप कि टेलीग्राम स्क्रीनशॉट दे देते हैं मुझे ग्रुप लिंक आपको देदेवी देखिए ग्रुप जाकि टेलीग्राम खोजे नहीं गोटे प्राइवेट ग्रुप अच्छी मुझ मॉक टेस्ट देखे दूसरी आपको बस ग्रुप देखेदेवी कमी आप कंप्यूटर 180 मार्क अच्छे आप आराम से सबुतक देपारे मन रखिए 15 मॉक टेस्ट 180 मार्क कंप्लीट थाए सबुतक आप इजिली एक्सेस करेंगे जहाँ इच्छा बस जॉइन करके सबुतक ये आप एक्सेस करेंगे बस तापर आप गोटे कथा जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन करेंगे ऑलरेडी 8400 प्लेय ग्रुप में पाखापाखी अच्छे ग्रुप में जॉइन कले डेली शेड्यूल पड़े मुझ कौन क्विज कंडक्ट करी कौन टेस्ट करी सबुतक मेंशन थाए जमी देखी पड़े सबुतक क्विज सर सबुतक पीडीएफ भी मिल जाए ओके ये ऑलरेडी आप ये फाइल सेक्शन को आसेंगे फाइल सेक्शन में 270 पीडीएफ अच्छी कंप्यूटर पीडीएफ दरकार एमएस विंडो दरकार बस आप एमएस विंडो सर्च करदे एमएस बस विंडो सर्च करदे डेफिनेटली आप सबुतक एमएस विंडो जहाँ एमएस वार्ड एमएस विंडो देखिए 4 पीडीएफ 200 क्वेश्चन अलरेडी देती एमएस वार्ड बस सर्च करेंगे तो वार्ड आप देख पाते सरी WORD सबुतक वार्ड आप पीडीएफ पाइए पाखापा 10 खंडे वार्ड पीडीएफ अच्छी बस सबुतक क्वेश्चन आप पढ़ीपारे ये भी आसिए आप मॉक टेस्ट सर्च करेंगे बस एमओ मॉक टेस्ट आप सर्च करते सबुतक मॉक टेस्ट अच्छे आप आसिकी एक्सेस करेंगे बस सरला निज इच्छा भाई जॉइन करेंगे क्या फोर्स मिले नहीं किसी डाउट थे मतलब देखकर ए नंबर में व्हाट्सएप जो नंबर दिखा ए नंबर में मतलब व्हाट्सएप आप पचारिपारे सरीगला एवं डायरेक्टली जी डिस्कसन करवा क्वेश्चन को ओके जूनियर आसीस्टेंट आप देखिए ये 2018 पेपर अच्छे ओके ईच एंड एव्री क्वेश्चन को मुझे एक्सप्लेन करने ट्राए करी देखिए समस्ते बुझाई ट्राए करेंगे ओके आपन सामने एक नंबर क्वेश्चन अच्छी देखिए एक नंबर क्वेश्चन आंसर देखा ट्राए करते यदि वीडियो स्पीड लगे समस्त रिक्वेस्ट करते हैं कौन करेंगे स्लो करके देखिपारे कौन करेंगे आपको आउे कहीदे जब वीडियो स्पीड लगे आप स्लो करके देखिपारे ओके ट्राए कर समस्त एक नंबर ट्राए कले फास्ट कथ देखो इफ यू लिखाई कौन कहे इफ यू मैंने ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप लगुच ओके फास्ट ऑप्शन को हमें फिट करवा इफ यू डैश हार्डर डैश सॉरी यू डैश पास्ट योर एग्जामिनेशन फास्ट कथ जब क्वेश्चन क्वालिटी कम अच्छे जाकर आप ऑफिशियल वेबसाइट जाकर भी डाउनलोड करेंगे सबुतक अच्छे देखो ये कंडीशनल सेंटेंस जना पड़गला आम ऑप्शन को एलिमिनेट करवा जदि फास्ट सिंपल पास्ट बस कौन कहे जदि फास्ट सिंपल पास्ट बस तो सेकेंड में आप लगे आप लगे वुड लगे कौन कहे आप वुड लगभग था बट वुड तो ना ऑप्शन तो काटि दिंतु फास्ट ऑप्शन एवं जी सेकेंड ऑप्शन कौन कहे देखो हार्ड वर्क
जदि आपर ये कौन लगी पांचट परफेक्ट लगी कौन कह पांचट परफेक्ट लगी सेकेंडा कौन लगे समस्त जानते उड हाफ ता सहित भर्व को ऊपर बस थर्ड फॉर्म बस कौन कह उड हाफ भर्व थर्ड फॉर्म बस ऑप्शन बी रे भी ना यार तो दुटा ऑप्शन कटिगला थर्ड पढ़ा देखो जदि ये हार्ड बस कौन कहे हार्ड बस कौन बस उड बसा एटी भी कंडीशन सेटनेस कम करनी ओनली ऑप्शन चार हम ऑप्शन एलिमिनेट कले भी आपड़ डिल करके जापर बट मुझे बुझे दूसरी देखो हार्ड सहित वर्क था तो डेफिनेटली उड हाफ सहित भर्र थर्ड फॉर्म लगे जापर होप सो कनसेप्ट समस्त बुझीगले किसी टिपिकाल कनसेप्ट ना इजी कनसेप्ट था समस्त डिल करते यहाँ आप एक नंबर क्वेश्चन था एवं दुई नंबर जी दुई नंबर भी आपड़ निजर कनसेप्ट पकड़ा ट्राई करते हैं ट्राए करें दुई नंबर क्वेश्चन से आपंपर ऑप्शन को मुझे एलिमिनेट करुच्छे आउ भाई किसी करूँ देखो फास्ट कथा हाफ बसबनी बिकज सेन्टेन्स अलरेडी आप पास्ट रही देखो बिफोर यू ड्यास आवर मिल ही ड्यास अस बैक टू ओके वर्क जितने आम सेन्टेन्स पढ़े अलरेडी आप कारण ऑप्शन देखो जदि ऑप्शन कोटा बी को धरिकी जी तो ये सिंपल पास्ट केमी आसा आसवनी जदि फास्टा पास्ट रही सेकेंडा ही पास्ट रो फास्ट कथा कौ कमटा आगे होता आम रखा कौन पास्ट परफेक्ट जो कमटा पर रखा कौन सिंपल पास्ट जमीक मो घर पहुँचला बेलू मो माँ रोसे करदे फास्ट आप घर पहुँचे ना आप रोसे करदे तो डेफिनेट आपे सर मो माँ फास्ट रोसे करदे मुझे घर पहुँचे तो माई मदर हार्ड कुक द फुड आपर सेमती बिफोर यू डैश आवर मिल तो मैंने बिफोर उमान कौन करते बैक टू वर्क आगे पलिते मैंने खावा स्टार्ट करने पूर्व बैक टू वर्क आगे पलिते तो आम लगे पार्बा सेकेंड रगे कौन पास्ट परफेक्ट लगे कौन कहे पास्ट परफेक्ट लगे फास्ट रहा सिंपल पास्ट लगे कौन कहे फास्ट बिकज ए कमटा पर आगे जो कमटा है आम पास्ट परफेक्ट लगे जोटा सांगे सांगे होता है सिंपल पास्ट लगे तो ऑप्शन ए रे अच्छी देखिए ऑप्शन बी रे हार्ड दुटा को पास्ट परफेक्ट हो पार ना ही गोटे सेन्टेन्स बुझे फोर्थ से कहते देखो फास्ट से कहते आगे यहाँ है कि बिफोर यू हाज फिनिश्ड आवर मिल एमती आगे है कि ना एटा आगे है आपर आगे आपर मैं आगे से बैक करगले से आपर फिनिश्ड कला बुझी पड़ते ओके दुई नंबर ओनली ऑप्शन ए रही है तीन नंबर भी जाए तीन नंबर प्राय पे कन्फ्यूज हुए सर आप कैमेल पूर्व आर्टिकल केमती लगेदेवे कारण मुझे आर्टिकल लगे जाऊँगी जेमती मुझे कहबी आई हाव ए डग मो पाखे गोटे कुकुर अच्छी गोटे सेन्स में लगे पड़ी मैंने सरी आई हाव ए डग आई हाव ए कैट मुझे कहली मो पाखे गोटे बिले अच्छी तो डेफिनेट मुझे गोटे सेन्स में आर्टिकल कौन बसैली ए टे बसैली जब मुझे गोटे सेन्स को दर्शाप आर्टिकल ए बसई पार्टी कौन से आनिमल आगे तो ये भी आम लगे पार्बा डैश आनिमल क्या गो डैश लंग डिस्टेंस विदाउट वाटर गोटे आनिमल आम कह गोटे आनिमल क्या गो ए लंग डिस्टेंस गोटे लंग डिस्टेंस विदाउट वाटर गोटे लंग डिस्टेंस को से गोटे सेन्स डिनोट करता तो ऑप्शन ए रोक एटी ए द किसी लगे द ए भी लगे फास्ट द कैमेल कौन से डेफिनेट कैमेल कथ से कहूँ ओके सेकेंड आप द डिस्टेंस कौन से पर्टिकुला डिस्टेंस रो से गोटे डिस्टेंस जापर से ही सेन्स कौन तो आप आर्टिकल ए लगे पड़े मुझे जी कहीं मो पाखे गोटे पेन अच्छी आई हाव ए पेन लगे ना से ही सेन्स को रिकल करने ट्राए करते ओके ए ड क्या डू दिस वर्क आम कहीपरचे ना तो डेफिनेटली आम यहाँ कही पार्बा ओके ऑप्शन तीन नंबर सी रोक नेक्स्ट बा चार नंबर को जाओ चार नंबर देखिए आंसर टी दे ट्राए करते बढ़िया क्वेश्चन अच्छे यार ट्राए कर ओके चार नंबर क्वेश्चन मुझे पढ़ी देखो आई फाउंड डैश बुक लास्ट नाइट डैश बुक इज भेरी यूजफुल ओके मत कहे जो कहला यूजफुल क्या कहला से बुकटा को इंडिकेट कला से बुकटा यूजफुल ये तो आर्टिकल द लगे ये समस्त जनाता है बिकज डेफिनेट करुच्छे से बुकटा मो यूजफुल मुझे कहबी ए बुकटा मो यूजफुल तो मुझे डेफिनेट करुच्छे ना ए बुकटा ये इंग्लीश बुकटा मो यूजफुल तो मुझे डेफिनेट करेंगे से आर्टिकल द लगे फास्ट कथ पिला प्रोब्लम सर फास्ट भी आप लगे मन रखिए फास्ट द लगे बिकज स्टार्टिंग टाइम जो जिनको आप इंट्रोड्यूस करेंगे से आर्टिकल लगे आर्टिकल नॉर्मल ए लगे मुझे गोटे बुक पाई तापर मुझे कहबी से बुकटा मो यूजफुल से बुक को इंडिकेट कले से तो पर्टिकुलर करी बट मुझे गोटे बुक पाई से मुझे डेफिनेट कमी करी डेफिनेट करें ना मुझे कहबी आई हाव ए डग द डग क्या बार्क वेल तो मैंने मो पाखे गोटे डग अच्छी तापर कहबी से डग जी बार्क भलसे कर बुझी पड़ते मुझे जोटा कहली फास्ट टाइम इंट्रोड्यूस करेंगे से आर्टिकल ए लगे जाइए बुझीगले ना तो यार भी कन्फ्यूजन थोड़ा ए आउ सी आपर मैंने ए आउ द आपड़ रईट आंसर रोक बुझीगले समस्त कनसेप्ट कौन था क्वेश्चन इजी था ना कि हार्ड था पांच नंबर क्वेश्चन भी आप आंसर दे पारे ये कनसेप्ट मुझे अलरेडी कही देती होप सो कहीं भी मिस्टेक करेंगे ना ट्राए कले आई डैश हुएन माइ फ्रेंड ओके डेफिनेटली मुझे आई आई डैश जो मो फ्रेंड ओके आसा से भाया कि सेन्स अच्छे तो मेन कथ कौ जिन आगे घटला फाइंड आउट करवा आई लेफ्ट हार्ड हुएन माइ फ्रेंड आरइव मन रखिए पांच नंबर ऑप्शन ए हबार कौन से चांसेस नहीं ओके आउ गोटे कथ आई हार्ड लेट मुझे आगे पहुंचाई देन मो सांग आसिकी पहुंचला ओके फास्ट कथा देखो एटा आगे आपड़ पहुंचे कौन आई हार्ड लेफ्ट मैंने मुझे फास्ट छाड़ी तापर जो मो सांग आसी पहुंचला तो आगे आपड़ छाड़े ना आपंग आसी पहुंचे मत कहे
डेफिनेटली आपण छाड़ी देते आप आसी पहुंची तो जदि आप छाड़ी देते सीटा आप कौन लगे पास्ट और परफेक्ट लगे हुएन माइ फ्रेंड जो मो सांगा मुझे को छाड़ देते तो आप लगे कौन लगे हुएन माइ फ्रेंड आप लगे सिंपल पास्ट ओके सिंपल पास्ट ये लगे बुझीगले आपड़ा सेन्टेन्स को चिन्हे कौटे सिंपल पास्ट लगुच कौटे पास्ट परफेक्ट लगुच जोटा अतीतर मैंने पुराणा पास्ट पास्ट को आम कौन कह पास्ट परफेक्ट कह बुझे ना आपर हार्ड लेफ्ट लगे आप राइट मो मैंने गला मो सांगा आ प्लाटफर्म पहुंचा लाभटा कौन हम आ नहीं जीव ओके ए छ नंबर क्वेश्चन जाओ छ नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया कनसेप्ट अच्छी किसी पे मुझे जानते हेड टेल मार सरी आप हेड टेल मारिकी जाते बट रियल आंसर हम हेड्स आई विन ना आप लगे टेल्स यू लॉस ए भाई किसी लगे कौन कहे हेल्स हेड्स आई विन आप लगे टेल्स यू लॉस बुझे डायरेक्ट क्वेश्चन यार डायरेक्टली मारे ये किसी कनसेप्ट पकिया ना ओके सात नंबर क्वेश्चन दिया देखिए सात नंबर क्वेश्चन थोड़े आंसर निजे देवा ट्राई करूँ तापर मुझे आपको क्वेश्चन पढ़ू यार ट्राए कर ओके हूँ देखो हि इज ओके इंडेप्टेड ओके डैश हिज फ्रेंड डैश फर ओह मो आंसर पार्टी भारी होगा देखो डैश ए लार्सन मैंने देखो ये रिजन को सोला सांग मैंने से जो पैसा दबा कथ कहे ओके इंडेप्ट कथ कहे पैसा तो दरकार से भाई सेन्स कहे हिज फ्रेंड फर ए लार्सन आम जानते रिजन को सो करेंगे आम कौन लगे फर लगे फर दिस पर्पज आप जो भी रिजन सो करते नर्माल फर लगे फास्ट तो आम सेकेंडा लगे तो अप्सन कौटा हम ए दुटा तो हमें आईदर यहाँ हम ना यहाँ हम एवं एलिमेट करने ट्राए करवा हि इज इंडेप्टेड सहित कौन लगे मन रखे टू लगे प्रिपोजिशन इंडेप्ट सहित बाय लगे तो अप्सन मन रखिए सात नंबर ए रईट आंसर हो रिजन को सो करूला तो मुझ फर को काटदेली फास्ट थोड़े चेक करेंगे कौन लगे बुझे समस्त अप्सन मन रखिए सात नंबर ए रही है नेक्स्ट आठ नंबर क्वेश्चन ये गोटे बढ़िया क्वेश्चन अच्छे फ्रेजाल भर को लेकिन जो मैं फ्रेजाल भर मीनिंग जाना थी डेफिनेटली आंसर दे सारे दे सारे मुझे अप्सन भी एलिमिनेट कले आंसर डेफिनेटली यार बनब ट्राए कर देखो आई कुड नॉट फास्ट कथ कोड आसला कोड मैंने को मोडाल आसला कौन कहे कोड मैंने आप मोडाल आसला मोडाल सहित भर कौ फर्म बसे फास्ट फर्म बसे देखिए आउ किसी बसई भी ना कौन कहे मोडाल सहित भर फास्ट फर्म बसे जब फास्ट फर्म बसा जा तो कौटी कौटी आम बसे पारा टे ट्राए कर ना फास्ट हो देखो ओके मेड तो लगभग मेड आउट चान्स ही ना कौन मेड आउट बिकज आम मोडाल पर भर फास्ट फर्म बस मन रखिए मेकआउट लगे कौन कहे मेकआउट लगे मेकआउट व्हाट ही हाइडेड तो मैंने से करने चाहूँ कौन कहे से जो आप हिंडेड जो हिंटेड जो हिंट होती प्राय मैंने ट्राए करें ओके बट डैश माइ माइंड टू हेल्प हिम तो डेफिनेटली बट कौन मो माइंड आसी हेल्प करी तो आम लगे पार बट मेड अप माइ माइ माइंड टू हेल्प हिम तो सरला ऑप्शन बी राइट आंसर कौन कहे मेकआउट मैंने कौन एक्सप्रेशन को बुझा को मेकआउट नॉर्मल कह जाए बुझीगले आठ नौ आई कुड नॉट मुझ मेकआउट करें जो आप हिंट दूसरी बट मो मन कहे मुझे कौन करी हेल्प करें तो मो माइंड कहे हेल्प करेंगे बट मेडअप आप सेकेंडे लगे पारे तो आठ नंबर मन रखे बी राइट आंसर है चूज कर देना किसी बड़ कनसेप्ट नुह बस माइंड को खटे आंसर देवार अच्छे ओके नेक्स्ट जा नौ नंबर अच्छे नौ नंबर प्रिपोजिशन बसा ट्राए करूँ मुझ जानी यार प्राय पे फास्ट क्वेश्चन ये दुटा जगह इन लगोच बट दुटा जगह इन लगे कनसेप्ट भी आपको कहूँ ऑप्शन ए हेनी यार ऑप्शन आप हम बी हम कौन हम मुझे रिजन भी कहूँ देखो ज्योति इज वर्किंग डैश ए फार्म 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 गोटे कौन आप जानते फार्म ये गोटे फार्म मैंने कौन नॉर्मल खोला एरिया टाइप में लगे पड़े फार्म गोटे कौन टू डायमेंशनल एरिया लेंथ ऑफ ब्रेथ थी तरह हाइट एमती किसी नए तो ये ओपन स्पेस कौन लगे अन् लगे ये कौन से घर भितर तो कहूँ ना गोटे बैंक बैंकटा कौन गोटे भितर गोटे बिल्डिंग भितर तो बिल्डिंग भितर थी आम कौन लगे प्रिपरेशन इन लगे इन रूम इन इन क्लासरूम होगा कि आप लगे पारे इन माइ रूम होगा कि इन माइ हाउस होगा आम लगू ओके इन भुवनेश्वर भी आप लगे दिखते बट मन रखिए ये आप फार्म अन ए फार्म लगे कौन कहे अन ए फार्म फार्म मैंने गोटे ओपन स्पेस को बुझे और डेफिनेटली ये आप लगे इन लगे कौन से मतलब ना तो नौ नंबर मन रखिए ऑप्शन आपटा बी राइट आंसर है बुझीगले समस्ते मुझे बुझे टे टाइम नौ बट आशा करुच्छी बुझे उठे नहीं जी दस नंबर जाओ दस नंबर क्वेश्चन आंसर देखें समस्त ट्राए करते ट्राए कर ओके से कहे द प्रमिश दैट वी डैश शैल बी सॉरी फेथफुल ओके आपण जो प्रमिश नहीं द प्रमिश दैट वी हाव हाफ मेड आप लगे पारे मेड खाली लगे सिंपल पास लगे हार्ड मेड मैंने नहीं ये बहुत अतीत कथ कहे ना ओके हाफ मेड हाँ तुम जो प्रमिश नहींच मैंने प्रमिश मैंने पास प्रेजेंट और परफेक्ट लगे पारे ओके द प्रमिश दैट वी हाफ मेड शैल बी फेथफुली केप्ट आप सेकेंड केप्ट लगे पारे आर मेकिंग ने नौमती किसी आर एवं बनाऊंट एमती किसी अच्छी सेमती किसी ना तो ओनली दस नंबर मन रखे सी रईट आंसर रो आ पास्ट परफेक्ट जमा भी लगेदेवे आप जो प्रमिश नहीं फेथ करते आपड़ा आगे कौन करेंगे रखिए बुझीगले ना ओके ऑलरेडी आपण नहीं प्रमिश ओके मुझे आपड़ ऑलरेडी खाई कौन कहते आई हाव ऑलरेडी इटन माय फूड आशा कर बुझीपे मुझे दो सेंटेंस को कंपेयर करी ओके एवं जीवा तार सेक्शन बी कौन अच्छे ठीक अच्छे बी को भी डील करना किसी बड़ कथ नुह एगार नंबर क्वेश्चन अच्छे एगार नंबर क्वेश्चन आंसर देखें समस्त ट्राए कर ट्राए कले क्वेश्चन से कहते देखिए ओके से कहे एनी वन डू इट इजिली ताको सी कहे पैसिव्रे चेंज कर ठीक अच्छे
ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଆମକୁ ପ୍ୟାସିଭ ବି ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟେନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି, ଟେନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଛି, କ୍ୟାନ୍ ମାନେ ମୋଡାଲ୍ ଭର୍ବ ଆସିଛି। ଯଦି ଇଏ ସିମ୍ପଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ଡିନୋଟ୍ କଲା, ଯଦି ଇଏ ପ୍ୟାସିଭ୍ ଅଛି ତ ଆପଣ ସରି ଇଏ ଆପଣ ପ୍ୟାସିଭ୍ରେ ବନେଇବାର ଅଛି ତ ଇଏ ଆକ୍ଟିଭ୍ରେ ଅଛି। ପ୍ୟାସିଭ୍ ବନେଇଲେ କ'ଣ ହବ, ବି ଲାଗିବ, ଓକେ ବି ତ ଲାଗିବା କଥା ଲାଗିବ, କ୍ୟାନ୍ ବି ଡନ୍ ଲାଗିବା କଥା ଲାଗିବ। କ୍ୟାନ୍ ବି ଡନ୍ କେଉଁଥିରେ ଅଛି, ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏରେ ଅଛି, ଅପ୍ସନ୍ ସିରେ ଅଛି, କ୍ୟାନ୍ ବି ଡନ୍ ଏଠି ପଡ଼େ ହଜି ଏଠି ବି ଅଛି 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 ସବୁଠି ଅଛି, ଅପ୍ସନ୍ ସିରେ ବି ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଅପ୍ସନ୍ ସିରେ ବି ରଖିଛନ୍ତି। ଅପ୍ସନ୍ ଥରେ ଡି ପଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ୟାନ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ଟୋଟାଲି ଭୁଲ, ତାମାନେ ଏଗାର ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଅପ୍ସନ୍ ମୁଁ ଥରେ ଏ ପଢ଼ୁଛି, ଏ ଆଉ ସିକୁ ଥରେ ପଢ଼ିବା, ଦେଖିବା କେଉଁଟା ଆପଣ ବନିପାରୁଛି। ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡନ୍ ବାଇ, ଓକେ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡନ୍ ବାଇ ଇଜିଲି ଏନି ୱାନ୍ ଲାଗିବନି, ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡନ୍ ଇଜିଲି ବାଇ ଏନି ୱାନ୍, କାହା ଦ୍ୱାରା ବନିଲା, ଇଜିଲି ବନିଲା, ତ ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣ ସି ହବ। ଓକେ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଇଜିଲି ଡନ୍, ଦୁଇଟା ଯାକ ସେମ୍ ଅଛି କି, ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଓକେ ଓକେ ଏଠି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି, ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡନ୍ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ, କ୍ୟାନ୍ ବି ଡନ୍ ଇଜିଲି ବାଇ ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ ଏନି ୱାନ୍, ବୁଝିଗଲେ, ଇଜିଲିଟା ଜମା ବି ଲାଷ୍ଟକୁ ନେଇଯିବେନି, ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ, ବାଇ ଏନି ୱାନ୍ଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବ। ଏଗାର ନମ୍ବର ପରେ ନେଇଯିବ ବାର ନମ୍ବର, ଓକେ ନୋଭାଇସ୍ ଅଛି, ତ ଫେର୍ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ନୋଭାଇସ୍ର ମିନିଂ କ'ଣ, ଓକେ ମନେ ରଖିବେ ନୋଭିସ୍ର ମିନିଂ ହେଉଛି, ନୋଭିସ୍ର ମିନିଂ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ୱାର୍ଡ, ଓକେ ମନେ ରଖିବେ ନୋଭିସ୍ର ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣ ମିନିଂ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁ କମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ନୂଆ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ନ୍ୟୁଲି ବିଗିନର୍ କହିପାରିବେ, ଓକେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଥିବେ ସେଠି ଆମେ ଲଗେଇପାରିବେ ନୋଭାଇସ୍ ଲଗେଇପାରିବେ, ନୋଭିସ୍ ଲଗେଇପାରିବେ। ଓକେ ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣ ବାର ନମ୍ବର କେଉଁଟା, ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ, କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ନଥିଲା। ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ମିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିପାରିବେ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଯିବ ତେର ନମ୍ବର ଅଛି, ତେର ନମ୍ବର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା କେତେ ପିଲା ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରୁଛ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ, ଟ୍ରାଏ କଲେ ମୁଁ ପୁରା କନ୍ସେପ୍ଟକୁ ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ବକ୍ସ ଇଜ୍ ଟୁ ହେଭି ଟୁ ଲିଫ୍ଟେଡ୍, ମାନେ ବକ୍ସଟା ବହୁତ ହେଭି ଅଛି ଲିଫ୍ଟେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେ କହୁଛି ଠୁକୁ ରିମୁଭ୍ କର, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଠୁକୁ ରିମୁଭ୍ କରିକି ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ବନେଇବାର ଅଛି। ଟ୍ରାଏ କରିବା, ଦ ବକ୍ସ ଇଜ୍ ଭେରି ହେଭି ଟୁ ବି ଲିଫ୍ଟ, ନା ଭେରି ହେଭି ଲାଗେନି, ଭେରି ହେଭିକୁ କାଟନ୍ତୁ, ସେକେଣ୍ଡରେ ବି ଦେଖିଥିବେ ଭେରି ହେଭି ଲାଗିଛି, ଆକୁ ବି ମୁଁ କାଟୁଛି, ସୋ ହେଭି ହେଇପାରିବ, କ'ଣ କହିଲେ ସୋ ହେଭି ହେଇପାରିବ, ମନେ ରଖିବେ ସୋ ସହିତ ହେଭି ଯଦି ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାର କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ପାର୍ଟ ବି ଥିବ, ତା ମାନେ ସୋ ସହିତ ଦ୍ୟାଟ୍ ପେୟାର ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ବକ୍ସ ଇଜ୍ ସୋ ଲାଗିଛି, ସୋ ହେଭି, ବକ୍ସଟା ବହୁତ ଭାରି ଥିଲା, କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ପାର୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଲାଗିଲା ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ପେୟାର ବସେ, ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ଦ୍ୟାଟ୍ ବସିଛି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଲିଫ୍ଟେଡ୍, ତା ମାନେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କେଉଁଠି ଲାଗେ, ସୋ ରିଜିନ୍ କହିଲା, ତା ସହିତ ଦ୍ୟାଟ୍ ମାନଙ୍କ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍, ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ଉଠେଇ ପାରିବିନି, ବୁଝିପାରିଲେ ନା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ର ଆପଣଙ୍କର କଞ୍ଜଙ୍କସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ପିକ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ତେର ନମ୍ବର, ନେଇଯିବା ଚଉଦ ନମ୍ବରକୁ, ଯିବା ଚଉଦ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଓକେ, ସେ କହୁଛି ଭେରି ଫ୍ୟୁ ସିଟିଜ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ ଆଜ୍ ରିଚ୍ ଆଜ୍ ମୁମ୍ବାଇ, ସେ କହୁଛି ଯେଉଁ ଆକୁ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଡିଗ୍ରୀରେ କନ୍ଭର୍ଟ କର, ଡିଗ୍ରୀ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିପାରିବ, କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଡିଗ୍ରୀକୁ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଜ୍ ଓକେ ରିଚର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଓନ୍ଲି ସିଟି ଲାଗିବନି, ଆକୁ ଆମେ କାଟିଦେବା, ଓନ୍ଲି ସିଟି ଆସିବନି। ଓକେ, ତାପରେ ବଢ଼ିଆ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଜ୍ ରିଚର୍, ଦେଖନ୍ତୁ ରିଚ୍ରୁ ରିଚର୍ ହବ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଠିକ୍ ମାନୁଛି, ଏଇଟା କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, କାରଣ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ରେ ଆପଣ ରିଚ୍ର ରିଚର୍ ବନିଯାଏ। ଓକେ, ତ ଥାର୍ଡ଼ଟା ହବନି, ସେକେଣ୍ଡଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ହୋଲ୍ଡ ରଖିଛି କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ହୋଲ୍ଡ ରଖନ୍ତୁ, ଥାର୍ଡ଼ଟା ହବନି କ'ଣ ପାଇଁ, ଆଜ୍ ଲେଖାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି, ସରି ମୁଁ ଲିଭେଇଦେଲି, ବଟ୍ ଲେଖାହେଇଛି କ'ଣ ଥରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାହେଇଛି ଆଜ୍ ରିଚାର୍ଜ, ଆଜ୍ ରିଚାର୍ଜ କେଉଁଠି ୟୁଜ୍ କରିଦିଏ, ପଜିଟିଭ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିଦିଏ, ଆମ ଦରକାର ନାହିଁ, ଥାର୍ଡ଼ଟା ଦେଖିବୁ ରିଚେଷ୍ଟ ପଳେଇଲା, ଇଏ ତ ପଳେଇଲା ପରେ ସୁପରଲେଟିଭ୍, ଏଠି ଦୁଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ଏ ଆଉ ବିରେ ଟିକେ ଟିକେ କନ୍ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛି। ଓକେ ଓକେ, ଦେନ୍ ମୋଷ୍ଟ ଅଦର ସିଟିଜ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ହଁ ଅପ୍ସନ୍ ମନେ ରଖିବେ, ମୋଷ୍ଟ ଅଦର ସିଟି, ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଆଉ ବି ଭିତରେ ଟିକେ କନ୍ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବି ଆମେ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ନେଇକି ଯାଇପାରିବା, ରିଚର୍ ଦେନ୍ ମୋଷ୍ଟ ଅଦର ସିଟି, ମୋଷ୍ଟ ନ ଲଗେଇଲେ ଚଳିବ ୟାର, ଏଇଟା ଟିକେ କନ୍ଫ୍ୟୁଜନ୍ ମୋର ଅଛି, ବଟ୍ ଆପଣ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଢ଼ିଦେଉଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ସକୁ। ଓକେ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଜ୍ ରିଚର୍ ଦେନ୍ ଅଦର ସିଟି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମେନ୍ କଥା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଟା ଅପ୍ସନ୍ ହବନି, ରିଜିନ୍ ହେଉଛି ଏବେ ମୁଁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କଲି, ବିକଜ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସକୁ ଟିକେ ସେନ୍ସିବୁଲ୍ ୱେରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଏଠି ସିଟି କେମିତି ଆସିବ ୟାର, ଇଏ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଟିମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ନା, ତ ସିଟିଜ୍ ଆସିବ, ତ ଅପ୍ସନ୍ ବିକୁ ମାରିକି ପଳେଇବେ, ବୁଝିଗଲେ ନା, ଏଭଳିଆ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆପଣ ଦୟାକରି କରିବେନି, କୋଶ୍ଚିନ୍ସକୁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରୁଥିବେ, କାଳେ ଏଠି ସିଙ୍ଗୁଲାର ପୁରା, କାରଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଟିଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ କହୁଛି ନା, ତ ଅପ୍ସନ୍ ମନେ ରଖିବେ ବି ରହିବ। ଓକେ, ଚଉଦ ନମ୍ବର ହୋପ୍ସ କନ୍ସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା, ବି କ'ଣ ପାଇଁ ହବ, ଏ ହବନି। ଓକେ, ପନ୍ଦର ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାଉ, ପନ୍ଦର ନମ୍ବର କହୁଛି ଲେଖାହେଇଛି କ'ଣ, ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ପେନୁଲିମେଣ୍ଟ, ଓକେ ପେନୁଲିମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ମିନିଂ କହିବାର ଅଛି। ଓକେ, ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାହେଇଛି ଅଲ୍ଟିମେଟ୍, ଆଗରୁ ପେନ୍ ବସ୍ ଲାଗିଛି, ପେନୁଲିମେଣ୍ଟ ତାକୁ ନର୍ମାଲ୍ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଆ ମାନେ ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଡ ୱାନ୍, କ'ଣ କହିଲେ ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଡ ୱାନ୍ ମାନେ 1, 2, 3, 4 ଏମିତି ଲେଖାହେଇଛି, ଇଏ ଲାଷ୍ଟ ନୁହଁ, କ'ଣ କହିଲେ ଲାଷ୍ଟ ନୁହଁ, ତା ପୂର୍ବଟା ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣ କହିପାରିବେ, କ'ଣ କହିଲେ ପେନୁଲିମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ, ନହେଲେ କହିପାରିବେ ଲାଷ୍ଟ ବଟ୍ ୱାନ୍ ବି ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଇଏ ମିନିଂ ୱାର୍ଡ, କେତେବେଳେ କମ୍ ମିନିଂ ପଚାରିଦେବେ ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଓକେ, ଷୋହଳ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯା, ରନ୍ଡାଉନ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ୱାର୍ଡ ଅଛି, ରନ୍ଡାଉନ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜାଲ ଭର୍ବ ଯାହାର ମିନିଂ ହେଉଛି କ'ଣ, କାହାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବା, ନର୍ମାଲ ରନ୍ଡାଉନ୍ର ମିନିଂ। ଓକେ, ହି ରନ୍ସ ମି ଡାଉନ୍ ଏଭ୍ରିୱେର୍, ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲି ମୋତେ ସେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କଲା, ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ତ ଆଜିକାଲି କରାଯାଉଛି ନା, ତ ଅପ୍ସନ୍ ମନେ ରଖିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିଥିବେ ବି ମାରିକି ପଳେଇବେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍। ଓକେ, ଷୋହଳ ନମ୍ବର ପରେ ନେଇଯିବା ସତ ନମ୍ବରକୁ, ଯିବା ଓକେ ସତ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଟି ଟୁ ଟେଲର୍, ଓକେ
टू टेलर मीनिंग से आपको पचारे देखी पड़ते मीनिंग में कते गुड़े वार्ड बाहर तीन टाइम कर सारे मीनिंग को नहीं ओके जोटा कि नर्माल सिनोनिम एंटोनिम सिनोनिम भी आपको कहीपरेंगे सिनोनिम ना तर मीनिंग ऑफ द वर्ड भी आपको कहीपरेंगे से कहते व्हाट व्हाट डज ए अपन जो अच्छी तार मीनिंग कह रहे मन रखे टी टू टलर मैंने जो मैंने ड्रिंक्स करती ना के करती ही कहुए ओके ए पर्सन को नेवर ड्रिंकिंग कौन कहे ए पर्सन को नेवर ड्रिंकिंग जमीक आपरेंगे इडमेंट फ्रेजेस आपको पचारि पारे से मीनिंग पचारि पारे बुझीगल ना इडमेंट फ्रेजेस आउ नर्माल वार्डर भी से मीनिंग पचारि पारे सत नंबर पर नहीं अठ नंबर क्वेश्चन दिया अठ नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया अच्छी स्पॉट द एरर एरर डिटेक्शन क्वेश्चन अच्छा आप एरर डिटेक्शन किसी भी फॉर्मेट आसपे सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो एरर डिटेक्शन आसपे यार डील करेंगे यार ट्राई कल अठ नंबर क्वेश्चन मुझे पढ़ू देखो हि क्या नट बी ट्रस्टेड से क्या नट बी ट्रस्टेड हो पार किसी प्रोब्लेम ना देखो हि सिंगुलर अच्छे मोडाल भर्ब रू स्टार्ट मोडाल भर्ब पर डायरेक्टली भर्ब थर्ड फॉर्म आसपारे से बी भर्ब टे लगे ओके हि क्या नट बी ट्रस्टेड ओके ट्रस्ट क्या कलानी विथ इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट सिक्रेट इनफॉरमेशन एरोडिटेशन प्रीवियस क्लास में कराई ना इनफर्मेशन शुएनि आपको प्लूराल करेंगे नहीं बिकज ये गोटे अनकाउंटेबल नाउन कौन से अनकाउंटेबल नाउन रहा ऑयल्स करदे कि व्टर्स करदे तो करेंगे ना तो सेमती है इनफर्मेशन करें ओनली इनफर्मेशन हम ओके तो ये आपको एस को काटार था तो डेफिनेटली समस्त डिल करेंगे कौटा अप्सन बी पार्ट्रे एरर था इजी थी ना डिल करदे नहीं भाई उन्नीस नंबर क्वेश्चन ओके उन्नीस नंबर क्वेश्चन स्टार्टिंग करछि बिंग रु स्टार्ट करछि बिंग ए रेनी डे फास्ट कथा जदि ये नाउन को डिस्क्राइब कला कौन कहे रेनी डे को डिस्क्राइब करछि तो आपको बिंग रु स्टार्ट हो पारे आम कौन स्टार्ट करवा इट बिंग स्टार्ट करवा इट क्या शो कराला ए रेनी डे को शो कराला इट बिंग ए रेनी डे कर डायरेक्टली बिंग ए रेनी डे आम करना बिकज ये गोटे नाउन नाउन को आगे डिस्क्राइब करने पड़ो इट बिंग ए रेनी डे लगे पड़ो बुझीगले ना पार्ट ए रे आप एरर था स्पॉट दर आई थिंक उन्नीस नंबर समस्त ये बुझीगले नेक्स्ट बा कोड़े नंबर कोड़े नंबर आई थिंक सब इजी क्वेश्चन अच्छी कोड़े नंबर आठ इजी क्वेश्चन आप दुनिया के देखी ना जब आप लाइफ में कम करेंगे डायरेक्ट इंटरेस्ट स्पीच पढ़ते ए क्वेश्चन मुझे एक्सप्लेनेशन दबाटा ही गोटे मूर्खा मैं बिकज ऑप्शन बी छोड़ा किसी हमने कारण येस्टरडे येस्टरडे आप कहते इंडायरेक्ट डायरेक्ट अच्छे येस्टरडे इंडायरेक्ट कौन हो डेफिनेटली बिफोर ही हम सरला ए टू डे बिफोर सरला येस्टरडे 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 जब आम कॉन्सेप्ट को बुझापा ट्राए करवा देखो सेंटेंस ऑलरेडी आई ही सेड दैट तो लगे देखो ही सेड दैट लगी आई सॉ हर सिंपल पास्ट अच्छे सिंपल पास्टा जब आप डायरेक्ट थी इनडायरेक्ट कौन कनवर्ट हो पास्ट परफेक्ट को कनवर्ट हो जोटा कि देखी पड़ते हैं हार्ड सीन लगे मैंने कोड़े नंबर कौटा ऑप्शन आपंकर बी राइट आंसर है नहीं भावे एक नंबर क्वेश्चन एक नंबर क्वेश्चन आंसर से क्वेश्चन कौन पचारे टी क्वेश्चन पढ़ा कौटे ना देखिए ओके सी कहे फिलेन ट्रफी कौन कहे फिलेन ट्रफी आपको मीनिंग पचारे कौन कहे फिलेन ट्रफी मीनिंग पचारे फिलेन ट्रफी मैंने हूँ देखी पड़ते जो मैंने डोनेट करते जो मैंने मनी जाए कि डोनेट कर केते बड़ बड़ सिचुएशन दुर्घटना होता ट्रेन में जानते बालेश्वर तो बहुत लोग डोनेट कले तो आम लगे फिलेंट्रोफी मैंने चैरिटी भी आपको कहीपरेंगे कौन कहे मनी डोनेट को नॉर्मल चैरिटी भी कहीपरेंगे मन रखिए एक नंबर बी राइट आंसर रहा बुझीगले समस्त इजी थी नहीं जीवा से कहते सिंगुलर फॉर्म ऑफ डाटा डाटार डेटम समस्ते पढ़ी से बी को मारी दूसरी किसी एथेर कन्फ्यूजन ना मन रखिए आपंकर सिंगुलर प्लुराल क्वेश्चन था डाटार से पचार सिंगुलर कौन कहे डाटार आप सिंगुलर हूँ डेटम बनी जाए बुझीगले समस्ते 22 नंबर ऑप्शन बी राइट आंसर आप कहे सर ये क्वेश्चन कौन पर आसो नाउन गोटे चैप्टर लिखाई प्रीपोजिशन लिखाई आप आर्टिकल होगा कंजंक्शन ए सब वर्ड को लेकिन क्वेश्चन बनाई मैंने ये जो डाटा वाटा आसा कौटू मन रखिए जदि नाउन मेनसन कराई तो डेफिनेटली से पचारि पारे बुझीगले समस्ते ना तो नहीं देखते 23 नंबर क्वेश्चन आपको पचारे मीनिंग से पुणी पचारे मेनी आर्ट्स ओके मीनिंग पचारे होमिसाइड रो मीनिंग पचारे तो डेफिनेटली जन जब क्या मारे नर्माल होमिसाइड कहते तो किलिंग ए पर्सन टू अनदर नर्माल डायरेक्ट आप मीनिंग जानते हैं डायरेक्टली करके पड़े नहीं चबीस को जाओ चबीस से आपको कौन पचार ओके ए पर्सन हु ऑलवेज बिलीव दैट गॉड थिंग्स गॉड गुड थिंग्स विल हैपन तो मन रखिए ये जो आपको कहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन ए पर्सन हु ऑलवेज बिलीव जे बिलीव करे नर्माल कौन कहे ऑप्टिमिस्ट कहुए कौन कहे ऑप्टिमिस्ट कहुए आथिस्ट रोटे क्वेश्चन मन थी आपको ओटर पलिस कंबाइन एक्जाम आसी सेमती आप पचारे ए पर्सन हु बिलीव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन होती ऑप्टिमिस्ट कहुए ओके मैसेम कहे सर सिलेबस ना किसी भी से पचारि पाते से भी रेडी थी ओके चबीस नंबर पर नहीं पचीस नंबर क्वेश्चन पचीस नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया था यहाँ कनसेप्ट वाइज क्वेश्चन था ओके देखिए क्वेश्चन को थोड़ा डिल करवा सी कहे व्वेन विंटर कम जिते बड़े विंटर आसे ओके कैन स्प्रिंग तो डेफिनेटली विंटर और स्प्रिंग भितर बहुत डिस्टेंस बोध था मैंने बहुत टाइम पर पुणी आपर कौन आसो जदि विंटर आसीगला तो बहुत टाइम पर कौन आस स्प्रिंग आसो विंटर पर पुणी आप जानते खरा दिन आसे आप जहाँ जहाँ आसे आप जानते तो डेफिनेटली मन रखिए ये आप मच बिहाइंड न था ओके मच बिहाइंड किसी कह जाए मोर बिहाइंड बोले किसी वार्ड ना फार बिहाइंड कहुए कौन फार बिहाइंड मैंने बहुत समय गैप व्यवहार में आप फार बिहाइंड भी कहते हैं बुझीगले पचीसटा क्वेश्चन आप ग्रामर बेस्ड और भोकैब बेस्ड पूरा कंप्लीट नहीं था आउ किसी भाई नुआ जिन ना ओके नेक्स्ट जी प्यासेज मन रखिए आप दयाकारी प्यासेज पढ़ू ना मुझ प्यासेज पढ़िया ही
आप देखते हैं टाइम वेस्ट कर दी पैसेज आप 15 मिनट टोटल डील करते ओके आप कंप्लीटर आप थी सेट टे पैसेज पढ़ी दिखाँ मुझे अलरेडी पैसेज थे पढ़ी ए पैसेज कौटू पिक कर मन रखे गोटे एनवायरमेंट मैंने गोटे चैप्टर मैंने एनवायरमेंट नॉर्मल उठा जाए कौन कहे एनवायरमेंट उठा जाए मैंने केमी पॉल्यूशन क्रिएट कराए केमी पॉल्यूशन होती नहीं बेस करके ये कंप्लीटली पैसेज बना मन रखे ए पैसेज जो मुझे कंप्लीटली पढ़ी क्वेश्चन को चेक करी पांचटा क्वेश्चन फॉर्मेशन अच्छी तीन टा क्वेश्चन डायरेक्ट अच्छे तीन टा क्वेश्चन कम ब्रेन यूज करके आप डील करेंगे आउ दुटा क्वेश्चन टी हेवी ब्रेन यूज करने पड़ो की वार्ड खोजापी पड़ो माइंड खटापी पड़े मुझे चार क्वेश्चन कंप्लीटली करदेवी पांच नंबर क्वेश्चन भी आंसर करदेवी बट पांच नंबर क्वेश्चन आप निजे फाइंड आउट करेंगे बिकज बहुत लेंदी क्वेश्चन टी बचे एवला पेपर से चार्टा तो डेफिनेटली आप डील करके जाइए जितक टाइम इनभेस्टमेंट कर क्वेश्चन आप समस्त पढ़ी देखिए यार मुझे आउ थे देखिए आप दयाकृत पढ़ी दिखुत ना पज करके आप टोटाल इतनी आप पढ़ी पारे आराम से बस पढ़ु मुझे क्वेश्चन सल्व करती बिकज मुझ तो पढ़ी कंप्लीट टाइम ही आपको पांच दस मिनट मुझे तो बेटर आम क्वेश्चन को डिल करवा समस्ते पढ़ी कौ क्वेश्चन को आम डायरेक्टली स्टार्टिंग डिल करा मुझे बुझे दूँ देखो पैसेज रेफर जहाँ भी करते पल्यूटेंट आ देखो व्हाट इज पल्यूटेंट पल्यूटेंट क्या कहुए आउ फर्टिलाइजर इन द कंटेक्स्ट मैंने फर्टिलाइजर क्या कहुए आप सेंटेंस मैंने ये फास्ट पैसेज को फास्ट पारा को भलसे पढ़ते जानते हैं पल्यूटेंट केमी बनाऊँच बिकज सी ए पैसेज कहूँ जिते सब आप कहीदे जिते सब आप एग्रीकल्चर स्लरी जिनस आसे से सब आप पल्यूटेंट कर जो मैंने कि आप कौन कर डिकम्पोज ये आपने स्लरी पल्यूटेंट ओके माइक्रो ऑर्गेनिज क्या से कहूँ ओके से कहते डिस्चार्ज एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर जो स्लरी गुड़ाक जो डिस्चार्ज कराऊँचे जो वाटर एम हो मैंने पल्यूटेंट कहपर आप फर्टिलाइजर कौटा कहो डिकम्पोजेस जो स्लरी गुड़ाक डिकम्पोज हो सएल ही फर्टिलाइजर कहो एटा गोटे बेसिक आइडिया जो मैंने कमन जिनस जानते हैं ये आंसर दे पारे ओके ये रहा आप छब्बीस रि नेक्स्ट आउ कौटा दे पार 27 नंबर क्वेश्चन मुझे स्टार्टिंग रो स्किप करी बिकज एटा लेंदी क्वेश्चन अच्छी चारिटा पॉइंट को से डील करुँचे कौटा भाई बनब कहटा टी डिफिकल्ट नेक्स्ट बा 28 नंबर 28 नंबर क्वेश्चन देखो गोटे जो इट्रोपिकेसन जो कहुई कल्चर लिखाई कल्चर वार्ड आप जो पैसेज को पढ़े टी भलसे पढ़ुते कल्चर वार्ड कौटी अच्छे आई थोड़ा आप क्वेश्चन स्टार्टिंग देखी दिखाँ ना पैसेज थे भलसे पढ़ी दिखाँ कल्चर वार्ड को फोकस करने कौन कहते कल्चर वार्ड को फोकस करने बर्तमान फोकस कर देती कल्चर वार्ड कौटी अच्छी खोजापी ट्राई करा देखो कल्चर वार्ड फास्ट पैसेज जमा भी कल्चर कौन वार्ड नाला मुझे पढ़ी मुझे जानी यार कल्चर वार्ड नाला सेकेंड को जीवन सेकेंड पैसेज आप कल्चर वार्ड बनुच्छे ना देखो ये गोटे कल्चर लिखाई कल्चर इट्रोफिकेसन लिखा जाए कौटि कौटी आप जो ये जिनसा घटू लिखा जाए ना देखो किल्ड फिश मान मरबार होता सहित लार्ज प्लांट गुड़ा मरबार हो आउ कौन हो पार्चे देखिपे आउ लिखाई देखिपे ऊपर लिखाई ओके चार्ज न्यूट्रिएंट ओके इनपुट लीड ओके बाकी हमें ऑप्शन को पढ़ापी टे पड़ो ओके ओके इंपोर्टेंट इकोसिस्टम ओके इकोसिस्टम भी आपको कौन हो लॉस्ट होके आउ तो किसी ना इनक्लूडिंग ओके सर्विसेस ए सब जिनस किसी ना फास्ट आम फ्लोरा आउ फना किल होटा जाणीगले कारण आप जानते हैं फ्लोरा फना क्या कहुए समस्त जानते मैंने गच्छ मानक डेथ हो गच्छ मानक मैंने ट्री गुड़ाक नष्ट होता सहित आपरि आप जो आनिमल मानक डेथ हो तो मैंने लसेस अफ फ्लोरा फना यहाँ कहींपर इकोसिस्टम लस हो तो समस्त गोटे पॉइंट भी था ये दुईटाक हो बट लस अफ मिनराल न्यूट्रिएंट कथा से कहूँ ओके आपको काटिद तो आप ओनली आप फास्ट आउ सेकेंड मारिकी जा क्वेश्चन इजी आप जो वार्ड को की वार्ड को धरिकी जापरेंगे एपे आउ गोटे क्वेश्चन आपटे आम इजिली डिल करोटे आपंकर थीम व्हाट इज द सेंट्रल थीम अफ द दिस पैसेज ए पैसेज सेंट्रल थीम कला पैसेज समस्ते पढ़ी देते आप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन ना यहाँ तो जमा भी से कहूनी मॉडर्न एग्रीकल्चर ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी किसी कहगला कि ये टेक्नोलॉजी निजाई आ विषय भी किसी कहुए ओके से कहते इम्प्रोपर वेस्ट डिस्पोजल हाँ आम तो ये पढ़ुते ना जो जो जिस डिस्पोजल एग्रीकल्चर डिस्पोजल सांगे सांगे पानी छाड़ दूसरी जहाँ एक्वेटिक एनिमल मरुँच गच गुड़ा भी प्रोब्लेम होती तो यहाँ से कहूँ एक्वेटिक सिस्टम को नष्ट कर 29 ऑप्शन सी एक्जाक्टली राइट आंसर हम पिक कर देते आइडिया टी खटे यार यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर ओके यहाँ भी से कहूनी यार बुझीपाले ना मैंने केमी यार जो फर्टिलाइजर गुड़ाक छाड़ एग्रीकल्चर मध्यम जो पानी राशि मिसुच्चर इकोसिस्टम को कमी डैमेज करे विषय में कहूँ एवं जी आउ गए ट्रिकी क्वेश्चन आपनारे अच्छी टी पढ़ापी ट्राई करा ओके आगे तो पैसेज व्हाट शुड बी द डिस्चार्ज एग्रीकल्चर स्लरी इन टू वाटर कॉज द रेस्ट्रिक्शन कौटा आम कॉज कर रेस्ट्रिक्शन ओके पढ़ा कौटे आप बनी पार्टी थोड़े ट्राए करा देखो आम जानते लसिंग जो आप्रेंड नॉट ओके वे इज नॉट गुड प्रैक्टिसेस हम फर्स्ट पॉइंट पिक कर पारा ओके सेकेंड कौन वाटर वाटर कोर्स यहाँ जमा नुह माइक्रो ऑर्गेनिज्म कथा उठे पानी ओके
ଲେଖାଯାଇଛି ଦ ଡିସିଜନ୍ ମେ ଲିଡ୍ ଦ ନା, ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର କଥା ସରି ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରେ ଓକେ। ଅପସନ୍ ମନେ ରଖିବେ ସିକୁ ପିକ୍ କରିକି ଯିବା, ଆପଣ ଟିକେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆପଣ କେଉଁଟା ଥିଲା, ମୁଁ କେଉଁଟା ଛାଡ଼ିକି ଆସିଥିଲି ଓକେ, ୟାର ଭୁଲିଗଲି କେଉଁଟା, ଓକେ ଓକେ ଏଇଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ଓକେ। ଏଇଟା ଆପଣ କେତେ 27 ନମ୍ବର ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଟିକେ 27 ନମ୍ବର ଆଇ ଥିଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ଟିକେ ଇଜି ଅଛି। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଓକେ ଇଫେକ୍ଟ ଓକେ ଇନଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର, କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଇନଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର, ଆକୁ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟର୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତଥାପି ମୁଁ ଏଠାରେ ପଢ଼ି ନେଉଛି, କାଳେ ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଆଧରୁ ପିକ୍ କରିପାରିବି। ଆଡିଂ ଅଫ୍ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ସଏଲ, ହଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା। ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଡିକୋପୋଜ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ କଥା ସେ କହୁନି, ଆକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏନ୍, ହଁ ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ପୁରା ୱାଟର ବଡିଜ୍ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏଇଟା କେଉଁ ପାରାରେ ଅଛି ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିପାରିବିନି, ବଟ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ଥାର୍ଡ ପ୍ୟାସେଜ୍ରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଥିବ, ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଟ୍ ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ଓକେ। ତା'ମାନେ ଏ ପଏଣ୍ଟଟା ବି ଆମେ ପିକ୍ କରିପାରିବା ଓକେ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ପିକ୍ କରିପାରିବା। କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଆଲଗୋଲି ବ୍ଲୁମ୍ସ ବିଷୟରେ ବି ଲେଖାଯାଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ଠିକ୍ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲଗୋଲ ବ୍ଲୁମ୍ ଆ ବିଷୟରେ ବି ଲେଖାଯାଇଛି, ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ଠିକ୍ସେ ପାଇଯିବେ। ତା'ମାନେ ଏଠି ମୁଁ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ପାଇପାରିଲି ଓକେ, କେଉଁଟା କେଉଁଟା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ଥାର୍ଡ ଆଉ ଫୋର୍ଥ ଓକେ। ଅପସନ୍ କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ଥୋଡ଼ ନା, ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ୟାସେଜ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାସେଜ୍ ପଢ଼ିକି ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ପ୍ୟାସେଜ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ତିନି ଚାରିଟା ବି ଲଗେଇଦେଇଥାନ୍ତେ କାମ ବନେଇଥାନ୍ତେ, ବିକଜ୍ ପାଞ୍ଚରୁ ପାଞ୍ଚ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା, ଏ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଟିକେ ଟ୍ରିକି ଥିଲା, ବିକଜ୍ ପୁରା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଓକେ। ବସ୍ ଏଇଠି ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ତା'ପରେ ତ ଓଡ଼ିଆ ଅଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଆର୍ ଦେଇପାରିବେ ଓକେ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ କନ୍ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଥିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଗକୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆଉ କି ଯଦି ଇଂଲିଶର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।